हाय, आज हम देखेंगे इस इंफ्रारेड रिमोट को निकॉन D5200 के साथ या किसी भी निकॉन के कैमरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले हमें शटर रिलीज ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। जो शटर रिलीज ऑप्शन है वो हमको मिलेगी मेन्यू, शूटिंग मेन्यू, रिलीज मोड। यहाँ पर कई सारे आपको रिलीज मोड मिलेंगे। आप क्विक रिस्पांस रिमोट या डिलेड रिमोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिलेड रिमोट का यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो बटन प्रेस करने के 2 सेकंड बाद क्लिक होगी, और अगर आप क्विक रिस्पांस रिमोट करते हैं तो आप बटन क्लिक करने के तुरंत बाद आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जो कि है आप अपने कैमरे के ऊपर ये शटर रिलीज बटन को प्रेस करके आप डायरेक्ट इस मेन्यू में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप टाइमर, कंटिन्यूस शॉट, सिंगल फ्रेम, डिलेड रिमोट, क्विक रिस्पांस रिमोट सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए एक बार टेस्ट करते हैं। अभी मैंने क्विक रिस्पांस रिमोट सेलेक्ट किया है। अब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। देखिए, बटन दबाते ही फोटो क्लिक हो गई। अब इसका एक बार हम मोड चेंज करते हैं, डिलेड रिमोट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।